वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के काउंसलिंग के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों का जो मेन कंफ्यूजन है कि सेकंड राउंड का कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, क्या सेकंड राउंड का कट ऑफ 30 से बिलो हो जाएगा कि 30 रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपका सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, कितनी सीट्स वैकेंट है सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो आप पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, उससे हम अपना जो कंटेंट है फिर वो इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जो कट ऑफ है वो किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको ऑलरेडी पता है कि आपका फर्स्ट राउंड हो चुका है जिसका मिनिमम कट ऑफ 30 गया था। जिन भी कैंडिडेट्स के 30 से ज़्यादा मार्क्स थे या 30 तक थे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। आपकी जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन चली थी पहले राउंड की, उसमें 30 से बिलो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 30 पॉइंट्स वाले ही एलिजिबल थे, तो मिनिमम कट ऑफ आपका 30 रहा था। अब अगर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे तो सेकंड राउंड में किस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा, तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका सेकंड राउंड कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आपकी बहुत सारी सीट जो है वो वैकेंट है। अब अगर आपको कोई बता रहा है कि सेकंड राउंड नहीं होगा तो उससे आप ये पूछिए जो सीट्स पेंडिंग है अभी जो अभी फिल नहीं हुई है उनका क्या होगा। आपको बताया जा रहा है INC का इशू है वगैरह वगैरह, जो भी इशूज़ आपको बताया जा रहा है कि आपका राउंड नहीं होगा, डेट जा चुका है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका सेकंड राउंड किस तरीके से हो जाएगा। INC की डेट्स एक्सटेंड हो जाती है, तो ये चीज़ आप मान के चलो कि आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, 23 तक काउंसलिंग चलेगी पहले पैरामेडिकल की, उसके बाद हम ग्रीवेंस वगैरह पुट करेंगे और उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेकंड राउंड है वो कन्फर्म होने वाला है। इसमें पहले भी उन्होंने मेंशन किया था नोटिफिकेशन में कि जो हमारी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो भी वैकेंट रही है, तो ये कन्फर्म है कि आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। इस पर आप ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, अगर आप कहीं से भी सुनते हैं कि सेकंड राउंड नहीं होगा तो ये चीज़ यहीं से मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। अब हम अपने टॉपिक की बात करेंगे कि जो आपका कट ऑफ है वो 30 से बिलो चला जाएगा कि 30 ही रहेगा, तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि 30 जिस कैंडिडेट के मार्क्स थे या पॉइंट्स अगर आप कहोगे तो उसकी क्या रैंक थी, किस रैंक तक पहले राउंड में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी टोटल सीट्स हैं, तो उसके हिसाब से हम फिर ये देखेंगे कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कम हो जाएगा कि 30 रहेगा, अगर कम हुआ तो कितना कम हो सकता है। बाकी आपको बताया जा रहा है कि 15 तक कट ऑफ जाना चाहिए, आप जेके बोपी ऑफिस विजिट कीजिए, 10 तक कट ऑफ जाना चाहिए या 20 तक, तो मैं आपको बता दूँ ये सब फजूल बातें हैं, ये हवा में ये बातें की जाती हैं, तो इन पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किस हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है और किस हिसाब से बनेगा, अगर सेकंड राउंड हो जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है कट ऑफ, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये हमारे रिजल्ट की PDF है जो 2023 का रिजल्ट निकला था पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग के लिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं आप देख सकते हो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो लोएस्ट स्कोर था, जो कैंडिडेट था जिसके 30 पॉइंट्स थे उसकी रैंक क्या थी, फिर उसके नीचे हम जाएंगे चेक करेंगे कि अगर हम कट ऑफ को नीचे लाएंगे तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और यहाँ से सीट्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा, एक रेंज मिल जाएगी कि कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली पहले चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो जो लास्ट वाला कैंडिडेट था उसकी जो रैंक थी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो 7006, और जो ये कैंडिडेट था एक लड़की थी, आप यहाँ से देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट RBA, तो इसको बुलाया गया था जिसके 30 पॉइंट्स थे, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट्स को फिर बुलाया गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो 7000 मान के चल सकते हो। अब अगर हम कट ऑफ नीचे डिक्रीज़ करेंगे तो हम देखेंगे किस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा, तो पहले राउंड के लिए 7000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और टोटल सीट जो थी वो थी 4000, मतलब कि 3000 ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। हम मान के चल सकते हैं कि उसमें से 1-2000 ऑलरेडी किसी और फील्ड में जा चुके होंगे, लगभग कोई PM++ में गया होगा, कोई कास्ट में गया होगा और कोई नीट में गया होगा, तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं अगर हम कट ऑफ नीचे करेंगे तो यहाँ से अगर हम टोटल 25 पे चले जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से कि कितना कट ऑफ बन जाएगा हमारा और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तब जब 25 आपका कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ से हम नीचे जाते हैं और चेकआउट करते हैं 25 पे क्या रैंक रहती है, देख सकते हो
अभी हम 25 कट ऑफ पे पहुंच गए हैं। तो अगर 25 आपका कट ऑफ रहता है तो 9122 कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ेगा, तो मतलब आपके पास टोटल जो सीट्स हैं वो है 4000 और आपके सीट से ज़्यादा लगभग 5000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो टोटल 9000 हम मानेंगे। तो मैं आपको बता दूँ इतना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है 20 कट ऑफ, उस टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो मैं आपको बता दूं 25 ठीक है, 25 आपका कट ऑफ जा सकता है। अब अगर हम 20 की बात करेंगे तो यहां से 20 चेक आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर हम 20 कट ऑफ की बात करेंगे तो 11340 कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आपके पास टोटल 4000 सीट्स है, तो वो उसके 3 times होता है। अब अगर हम 12000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपका कट ऑफ कम हुआ भी तो 25 ही रहेगा, 20 भी जा सकता है, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं जा सकता है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 20 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब अगर आप कुछ भी करोगे, कितना भी प्रोटेस्ट करोगे, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करोगे, 20 से नीचे नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आओ कि आप जेके बोपी जाओगे फिर वहाँ पे बताओगे हमारा कट ऑफ 15 कर दो। जेके बोपी के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, तो बिल्कुल ही आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि आपका कट ऑफ 15 या 10 चला जाएगा। तो कम से कम आप ये मान के चल सकते हो कि जो सेकंड राउंड है उसमें कट ऑफ 25 जा सकता है। आपके पॉइंट्स 20 आते हैं तो आप थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हो, बाकी 25 से ऊपर जा सकता है। 25 मेरे हिसाब से मिनिमम कट ऑफ रहेगा सेकंड राउंड के लिए। अब अगर इनको लगा तो ये 30 भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा चांस है वो 25 के हैं। बाकी जब आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, तब आपको फिर भी पता चल जाएगा। बस ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कट ऑफ के रिलेटेड, कि कट ऑफ किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा और आपकी कितनी टोटल सीट्स हैं, फिर किस हिसाब से बुलाया जाता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि 20 से नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स को बुला के क्या फ़ायदा, ऑलरेडी 3 times हो रहा है अगर 20 पे बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो कट ऑफ है वो 25 रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनके भी हेल्प हो सके, उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।